off in style. India lift the World Cup. The party start in the dressing room. दोस्तों पिछले 24 घंटे से जिस प्रकार से पूरे भारत देश का माहौल बना हुआ है, पूरी टीम इंडिया का माहौल बना हुआ है, आप टिकटॉक खोलकर देखते हैं तो आपको सिर्फ सैड मोमेंट्स नजर आते हैं। वर्ल्ड कप 2019 में सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार के काफी दुखद माहौल है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे में तीन बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है टीम इंडिया के लिए। और तीन खुशखबरी सुनने के बाद आप खुश जरूर होंगे, और ये खुशखबरी आप सभी के लिए है ताकि आप इस गम के माहौल को हटाएं और खुश हो जाएं। तो फटाफट वीडियो को लाइक दीजिए। एमएस धोनी के लिए रोहित शर्मा की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही पूरे सीरीज में, विराट कोहली की अच्छी परफॉर्मेंस रही पूरे सीरीज में, रविंद्र जडेजा ने एक अनबिलीवेबल पारी खेली और जिसके चलते टीम इंडिया इस मुकाम पर आई कि मैच को वो जीत सके, और एमएस धोनी ने भी अच्छी खासी पारी खेली। तो फटाफट सभी सुपरस्टार्स के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आप इन सुपरस्टार्स के लिए इस वीडियो को 10,000 लाइक तक तो पहुंचाएंगे। दोस्तों पहली खुशखबरी की बात करते हैं, वो ये है कि एमएस धोनी अभी भी क्रिकेट खेलने वाले हैं, ओडीआई खेलने वाले हैं, टी20 खेलने वाले हैं और रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं। पहले उन्होंने कहा था कि वो रिटायरमेंट ले लेंगे वर्ल्ड कप का जो आखिरी मुकाबला हुआ उसके बाद, और उन्हें खुद भी नहीं पता है वो कब रिटायरमेंट लेने वाले हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से एमएस धोनी की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, यहां पर साफ हो चुका है कि एमएस धोनी अभी तो रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं। आगे जो सीरीज है वेस्ट इंडीज के साथ है, यहां पर खेलने है, और इनका प्लान 2020 में जो T20 वर्ल्ड कप में वहां तक का है, यानी कहीं ना कहीं एमएस धोनी अभी तो संन्यास नहीं लेने वाले हैं। ये गुड न्यूज़ है हम सभी एमएस धोनी के फैंस के लिए, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी खुशखबरी की बात करते हैं, वो ये है कि टीम इंडिया अब यहां से उबरने के बाद वेस्ट इंडीज के साथ टूर करने वाली है। वेस्ट इंडीज के साथ टीम इंडिया की सीरीज होने वाली है, जहां पर 8 मैचेस का ऐलान किया गया है। 8 मैचेस के लिए 3 सीरीज रखी गई है, ओडीआई सीरीज, टी20 सीरीज और टेस्ट सीरीज। तो पहली जो सीरीज है वो है टी20 सीरीज, 3 मैचेस खेले जाने हैं, ओडीआई के भी 3 मैचेस खेले जाने हैं और टेस्ट में भी 2 मैचेस खेले जाने हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरी बड़ी खुशखबरी है और ये एक अच्छी न्यूज है। बात करें हम तीसरी खुशखबरी की, तो जिस प्रकार से क्रिटिसाइज किया जा रहा था रवि शास्त्री को, एमएस धोनी को, विराट कोहली की कैप्टेंसी को, कि आपने एमएस धोनी को ऊपर क्यों नहीं भेजा, रवि शास्त्री के बोलने पर एमएस धोनी नीचे आए और जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा। अब यहां पर विराट कोहली डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं रवि शास्त्री को, एमएस धोनी को, कि पूरा मैनेजमेंट का ये निर्णय था कि एमएस धोनी नीचे आए और एमएस धोनी के रोल के लिए वो नीचे आए और जैसी भी बैटिंग की अच्छी बैटिंग की और अंत तक लड़ते हुए दिखाई दिए, अंत तक मैच विनिंग पारी खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, हम सभी फैंस इनकी खुशी के साथ साथ इनके दुखद मोमेंट में भी इनके साथ हैं, इनके सैड मोमेंट में भी इनके साथ हैं। तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और वर्ल्ड कप से रिलेटेड जितना भी वर्ल्ड कप बचा हुआ है न्यूज़ आने वाली है, एमएस धोनी के रिटायरमेंट से रिलेटेड न्यूज आने वाली, तो सभी न्यूज सबसे पहले आपको आरएस एंटरटेनमेंट पर मिलने वाली है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और एमएस धोनी के रिटायरमेंट के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। धन्यवाद।